अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत मज़े की चॉकलेट ब्राउनी कपकेक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट ब्राउनी रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरा आज मूड नहीं था कुकिंग का, तो मेरा दिल किया आज चॉकलेट की कोई रेसिपी बनाई जाए। और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैंने आज जो है ना कुछ ब्राउनी का जो है ना बनाने का सोचा, ब्राउनी कपकेक्स। तो रेसिपी बहुत आसान है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं बहुत आज लेज़ी थी क्योंकि कुकिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा चॉकलेट ही की कोई रेसिपी बनाई जाए। मैंने एक बाउल में सारी चीज़ें डाल दी। सारी चीज़ें क्या थी यहाँ पर, मैंने 1 कप लिया था मैदा, आधा कप मैंने लिया था कोको पाउडर, आधा कप मैंने लिया था ऑयल लिया था, क्योंकि ऑयल से ब्राउनी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया था 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच मैंने लिया था बेकिंग सोडा, और 1 अंडा लिया था। इन सब चीज़ों को बस मिक्स करना है। और ये सारी चीज़ें डालते ही आपने बस मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। आपने बहुत ज़्यादा, आपने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी पावर से यूज़ नहीं करनी अपने हाथ की। आपने बिल्कुल जो है ना हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके इसको जो है ना वो बैटर को हमने रेडी कर लेना है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये चीज़ें सिंपल सी डाली हैं, और बहुत मज़े की ये ब्राउनी रेडी हो गई थी। आप इसको चाहें तो किसी गोल टिन में, केक वाले टिन में भी इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं इसको कपकेक्स में ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं कपकेक्स, और बच्चों के तो फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट हैं, और आपके भी फेवरेट हो जाएंगे जब आप इसको घर में रेडी करेंगे, बनाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बैटर रेडी हो गया था और मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कपकेक्स में जो है ना वो इसको डाल दिया था, और इसको हम पोर कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको बना रही हूँ विदाउट अवन। मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ली है, छोटी सी गोल सी बेकिंग ट्रे थी मेरे पास, और मैं यहाँ पर इसको ना इस तरह से सेट कर रही हूँ, इस तरह से यहाँ पर विदाउट अवन बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको अवन में भी बना सकते हैं, और बहुत ध्यान से इसको जो है ना आपने इसको इस तरह इसमें रख देना है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे ये कपकेक्स जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और जी यहाँ पर इतना ही टाइम लगा था, 10 से 15 मिनट ही लगे थे, और ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही मज़े के सॉफ्ट, और ये देखिए बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। कपकेक्स यहाँ पर मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब मैं इसको जो है ना इस तरह से क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट करके इसको इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसके ऊपर डिज़ाइन लगा रही थी, डिज़ाइन शाइन मार रही थी। तो आप भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप करते जाएँ। तो प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको डेकोरेट करके खाएँ, इंजॉय करें। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक पीस जो है ना वो मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा इसको चॉकलेट से भी कर दिया था डेकोरेट। और चलिए जी, रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है, और मुझे बताना है फीडबैक में कि आपको कैसी लगी ये कपकेक्स, चॉकलेट ब्राउनी कपकेक्स। तो जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।